नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल और दिमाग दोनों हिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब यह बड़ी खुशखबरी के बारे में आप अपने कानों से सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी के जीवनकाल में आपके जीवन की वो सबसे बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके जीवन काल की सच्चाई है, ये आपके कर्मों का लिखा धन है, ये आपके कर्मों के लिखा भगवान के प्रति फैसला है, जो कि दोस्तों कल से आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों, अब आपका कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा और दोस्तों ये आपकी किस्मत का लिखा जब आपको मिलेगा। दोस्तों, जब आप इन खुशखबरियों के बारे में ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों इनके पीछे एक बहुत ही बड़ी सच्चाई है, जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इन बातों के बारे में अगर आप जान जाएंगे, अगर आप इन बातों को ध्यान से समझ लेंगे, ये सच्चाई को सुन लेंगे, तो दोस्तों जीवन काल में आने वाले समय में आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे, और दोस्तों ना ही आपके हाथों से कोई ऐसा गलती होगा जिन्हें आप नहीं करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के जीवन काल के लिए और सभी क्षेत्रों के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देख लेंगे, तो दोस्तों आपको हर क्षेत्र में लाभ की प्राप्ति होगी। जिस क्षेत्र में आपका हाथ बढ़ेगा दोस्तों, इनमें आपको उन्नति की प्राप्ति होगी, सद्मार्ग की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ दोस्तों जो भी कार्य पिछले समय से आप कर रहे हैं उनमें पदोन्नति भी होगी। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति है। दोस्तों एक प्रकार से कहें तो कल से आप सभी के जीवनकाल में माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि माँ लक्ष्मी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिनके जीवनकाल में इनका वास हो जाता है। दोस्तों इनके जीवनकाल से धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाती है। दोस्तों यूँ तो माँ लक्ष्मी हर किसी के जीवनकाल में नहीं आती है, और दोस्तों जिनके भी जीवनकाल में आती है, दोस्तों यह तय है कि उनका अच्छा कर्म है, ईश्वर के प्रति भाव है, हमेशा हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले ईश्वर का नमन करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कल से आप सभी के जीवनकाल में जब लाभ की प्राप्ति होगी, जब खुशखबरियाँ आपको मिलेंगी दोस्तों, तो यकीन मानिए इनसे आपको यही लगेगा कि माँ लक्ष्मी हमारे जीवनकाल में प्रसन्न हो चुकी है। और जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से माँ लक्ष्मी ही आप सभी के जीवनकाल में आने वाली है, ऐसी खुशखबरी लाने वाली है, ऐसे लाभ के क्षेत्र खोलने वाली है कि दोस्तों आपको अपने आँखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना भी बेहद ही ज़्यादा आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की उल्टी चाल भी आप सभी के जीवनकाल में चल सकती है, अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो। जी हाँ दोस्तों, यूँ कहें तो ग्रहों की बहुत ही शुभ स्थिति है, आपके जीवनकाल में लाभ के भाव को दर्शा रही है, तो दोस्तों इसी में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी माता लक्ष्मी के सच्चे प्रिय भक्त हैं, चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माँ लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जीवन काल में आर्थिक तंगी आप सभी के धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी से, जो कि दोस्तों आप सभी को जानना आपके जीवन काल के लिए सबसे ज्यादा परम आवश्यक है। तो दोस्तों इन बातों को आप बिल्कुल ही गौर से सुनिएगा। दोस्तों इच्छा शक्ति और सफलता, दोस्तों आप सभी को बता दें कि दुनिया वह जीवन का हर खेल इच्छा शक्ति के सहारे ही चलता है। वजन घटाने के लिए अनेक व्यक्ति प्रयास करते हैं, पर इच्छा शक्ति के अभाव से उन्हें असफलता मिलती है, अन्यथा जो व्यक्ति अपना सिर बाएं से दाएं हिला सकता है वह अपना वजन भी घटा सकता है, यही सच है। इच्छा शक्ति इसी क्षण मात्र का विस्तार है, हाँ या न कहने में जितने क्षण का समय लगता है उतने में ही भाग्य का बड़ा रूप अपना आकार ले लेता है। हम अपना सिर दाएं से बाएं तो सैकड़ों बार हिलाते हैं, गहराइयों से विचार करें तो इसी में जीवन का परिवर्तन छिपा है। जब सामने ऐसी कोई वस्तु हो जो हानिकारक हो पर उसे पा लेने की तीव्र ललक भी जगती है, ऐसे में यदि नौ के दिया जाए तो उसी क्षण से जीवन का पूर्ण रूपांतरण प्रारंभ हो जाएगा।
बच्चों की ही उदाहरण लें, सामने आइसक्रीम, चॉकलेट, चटपटी व्यंजक, मिठाइयां रखी हो, तब यदि बच्चे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं सिर न हिला सके तो वही व्यक्ति की इच्छा शक्ति आकर ले लेती है, अर्थात एक क्षण में भाग्य तय हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि यदि किसी ने तय कर लिया है कि यह काम नहीं करना है, यह आदत अपने आप नहीं रखनी है, यह आदत अपनी पास नहीं रखनी है, तो उसके साथ अपनी इच्छा भी जोड़ ले। इच्छा शक्ति मन रूपी नदी का एक बांध है, इसके द्वारा अपने लक्ष्य का बहाव सफलता की ओर कर सकें तो हमारा भाग्य खिल उठता है। मान लीजिए मन टीवी इंटरनेट देखना चाहता है, ऐसे में मन को किसी एक काम में बांध कर रखना इच्छा शक्ति के हाथ में है। इच्छा शक्ति वह निर्णायक पहलू है जिसके सहारे व्यक्ति बड़े से बड़ा काम कर सकता है। इसी से यह भी सिद्ध होता है कि एक समय में यदि एक ही काम में ऊर्जा खर्च की जाए तो उसका परिणाम सफलता से भरा होता है, तब ऊर्जा नष्ट होने से बचेगी। बार बार बस एक बार अपनी इच्छा शक्ति पर भरोसा हो जाए तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं। ध्यान किसी एक तरफ लगाने से भीतर ऊर्जा का विकास होगा जिसका प्रयोग व्यक्ति किसी भी काम में कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह परम ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इनमें सच्चाई लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों देखिए कि साथ बात करते हैं कि कल से आप सभी के जुनकाल में कौन कौन से बड़े महत्वपूर्ण खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन सी बातों का कल से आपको ध्यान रखना होगा, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, कौन कौन से बड़े सुधार होने वाले हैं, दोस्तों जानेंगे इन सभी के बारे में पूरे ही विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यह समय कुछ समय अपने रुचि संबंधी कार्यों को करने में व्यतीत करें, इससे आप अपने आप को दोबारा फ्रेश महसूस करेंगे तथा अपनी दिनचर्या संबंधी कार्यों में पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान भी लगा पाएंगे। दोस्तों विद्यार्थियों को किसी विदेश संबंधी परीक्षा में शुभ परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। इसको प्राप्त दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों ड्राइव करते समय ट्रैफिक नियमों का पूरा ध्यान रखें, जरा सी लापरवाही की वजह से किसी कानूनी पचड़े में भी आप फंस सकते हैं। दोस्तों कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले उससे संबंधित पूरी जानकारी आप अवश्य हासिल कर लें। इसको प्राप्त दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों जितनी चालाकी से आप अपना काम कर रहे हैं उसका असर आप पर नकारात्मक तरीके से हो रहा है दोस्तों, जो कि आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दोस्तों निजी भविष्य में कोई बड़ा नुकसान इनसे आपका हो सकता है। इसलिए दोस्तों ये जो समय है किसी के साथ भी व्यवहार करते समय सच का साथ देकर काम करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने अपनी आंतरिक ऊर्जा को समझने के लिए जो भी प्रयास किए हैं उनकी वजह से आपके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। दोस्तों दूसरों की दुख दर्द और तकलीफ में उनकी सहायता करना आपका विशेष गुण रहेगा, परिवार और समाज में आपकी छवि इसमें उत्तम बन रहेगी। साथ ही दोस्तों अगर प्रॉपर्टी या फिर वाहन से संबंधित लोन लेने का प्लान बना रहे हैं तो दोस्तों ये जो समय है आपके लिए उसे स्थगित रखना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों यश में फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपके आसपास की ऊर्जा को बदलने की सख्त आवश्यकता होगी, जिसके लिए घर को साफ करते रहें और दोस्तों जिन चीज़ों का इस्तेमाल आप काफ़ी दिनों से नहीं किए हैं ऐसी चीज़ों का आप दान कर दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में विचारों में क्लैरिटी नहीं आएगी, इसलिए एक वक्त पर एक ही काम को पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों घर में नजदीक रिश्तेदारों का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आदान प्रदान पर घर के वातावरण को खुशनुमा बनाकर रखेगा। दोस्तों किसी विशेष मुद्दे पर भी विचार विमर्श हो सकता है, युवाओं को किसी वरिष्ठ व्यक्ति के सानिध्य में अपनी समस्या का हल मिल सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में बच्चों पर कठोर नियंत्रण न रखकर नम्र व्यवहार करें, इससे वे आसानी से अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर कर पाएंगे। दोस्तों आपकी ईगो या फिर गुस्से की वजह से माहौल थोड़ा अस्त व्यस्त में हो सकता है, इस बात का भी आप ध्यान अवश्य रखें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों किसी एक विषय के बारे में आपको अधिक चिंता यश में रह सकती है
उसी विषय के बारे में मार्गदर्शन न मिल पाना या फिर आपकी समस्या का हल न मिल पाने की वजह से आपकी चिंता इसमें बढ़ रही है। दोस्तों, हम निजी चीज़ के पीछे जितना भागते हैं उतना ही वह चीज़ दूर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, अपने अंदर सकारात्मकता बनाकर वातावरण की स्थिति में चल रही बातों का आनंद लें। दोस्तों, वक्त आने पर आपको समस्या का हल भी मिल जाएगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में परिस्थितियां आपके लिए कुछ अप्रत्याशित लाभ भी उत्पन्न कर रही है। अगर कोई कोर्ट के संबंधी मसला चल रहा है तो दोस्तों, यश में उनका फैसला आपके हक में हो सकता है। दोस्तों, किसी राजनीतिक व्यक्ति द्वारा आपको कोई उपलब्धि भी हासिल होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आय के साथ साथ व्यय की भी स्थिति रहेगी। अपने अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। अपनी किसी भी योजना को किसी के साथ शेयर ना करें, अन्यथा आपको ही हानि का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, युवा वर्ग घूमने फिरने में अपना समय व्यतीत करके अपना ही नुकसान कर बैठेंगे, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें और फिर अपने करियर व फिर पढ़ाई पर फोकस करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपका ध्यान परिवार पर अधिक बढ़ेगा। परिवार के लोगों की समस्याओं को दूर करने के प्रयत्न आपके द्वारा किए जा सकते हैं। दोस्तों, पैसे संबंधित तकलीफें भी यश में दूर होंगी, लेकिन आपकी अपेक्षा के अनुसार पैसा न मिलने की वजह से पैसे संबंधित थोड़ी सी नाराजगी भी यश में बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपके करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों, यश में मार्केटिंग संबंधी कार्यों को सावधानी पूर्वक करें। किसी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर आप अपना नुकसान कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति जो है अपने पेपर्स को सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि दोस्तों यह समय किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की आशंका बन रही है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में किसी कर्मचारी की लापरवाही से कोई बड़ा नुकसान होने की आशंका बन रही है। इसलिए दोस्तों, बेहतर होगा कि अधिकतम निर्णय आप स्वयं ही लें, अपने देख रेख में ही ऑर्डर तैयार करवाएं, ये आपके लिए बेहतर होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों की जो है ऑफिस के मित्रों के साथ गेट टुगेदर रखने की योजना भी बनेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय पिछले कुछ समय से जो भी धन संबंधी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, दोस्तों प्रोडक्शन के कार्य रुके हुए थे, यश में उनमें पुनः गति आएगी, आर्थिक स्थिति यश में सुदृढ़ रहेगी। दोस्तों, नौकरी पेशे व्यक्तियों को भी अपने ऑफिशियल कार्यों के प्रति ज़्यादा ध्यान देने की यश में आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पार्टनरशिप संबंधी किसी भी कार्य में पारदर्शिता बनाकर रखना अति आवश्यक होगा। दोस्तों, थोड़ी सी गलतफहमी संबंधों को खराब कर सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों, अपनी थकान व फिर तनाव को दूर करने के लिए पारिवारिक लोग आपकी जरूरतों को पूरा ध्यान में रखेंगे तथा आपसे संबंध भी यश में खुशनुमा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, पति पत्नी के आपसी संबंध यश में मधुर रहेंगे, प्रेम संबंधों में भी और अधिक नजदीकियां बढ़ेंगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए समय होंगे, आपकी लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में सुखमय रहेगा, प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी। इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, परंतु घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। दोस्तों, यश में लापरवाही ना बरतें और उचित समय पर इलाज करवाएं। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, श्वास के लिए या फिर कंधों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है, यश में एक्सरसाइज व फिर योगा पर आपको ध्यान देना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, सिर दर्द व फिर मानसिक थकान रहेगी, अत्यधिक सोच विचार में समय व्यतीत ना करें तथा कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी व्यतीत करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, मौसम में बदलाव की वजह से जोड़ों व फिर घुटनों में दर्द की समस्या रहेगी, यश में गैस व फिर बादी वाली चीज़ों का सेवन करने से परहेज करें, ये आपके स्वास्थ्य आपके हेल्थ के लिए बेहतर होंगे।